कमागणी नोमेड शक्ति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय माता जी के साथ मेरे जस्ट पीछे आप जो पेट्रोल पंप देख रहे हो ना, वहाँ पे अपन रात को सोए थे, रात को आराम से सो गए थे पेट्रोल पंप पे। वो पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम, एक और है आगे, लेकिन अपन इस पे सोए थे। और ये है भाई बोलेंग। और एक चीज़ और है जो सामने देख रहे हो, बीआरओ कैफे भाई, इनका है ना समोसे रात को मैंने खाए थे, काफ़ी टेस्टी थे उनके। और बीआरओ में हो गए या फिर आर्मी कैंप में हो गए, इनके सबके समोसे या कुछ भी फास्ट फूड बहुत टेस्टी होता है। और एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे गया था तो यहाँ पर एक हार्डवेयर की दुकान है, वो भाई भी मारवाड़ी है, मतलब वो है बीकानेर से। मतलब भाई दुनिया के है ना किसी भी कोने में चल जाओ, मारवाड़ी ज़रूर मिल जाएगा आपको। और यहाँ के लोग कहते हैं कि जाना पहुँचे बेलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच नरेंद्र भाई। अभी आगे जाके हिचाइक करेंगे अपन, थोड़ा पैदल चलेंगे। और पता है हमेशा 3-4 दिन में ऐसा ही हो रहा है ना कि जब मैं चलना स्टार्ट करूँगा तभी बारिश स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो उससे पहले बारिश नहीं आती। ये देखो यार व्यूज़ वगैरह कैसा है। और इस रोड इस साइड में है ना सिर्फ सिंगल रोड ही है, और सिंगल रोड तो आपको पता ही है। लेकिन पता है एक फ़ायदा हो गया है कि अगर उस साइड वाला रोड बंद है ना तो सारी गाड़ियाँ इधर से आ रही हैं। अभी मैं इंकयोंग जा रहा हूँ, इंकयोंग जाने के 2 रास्ते हैं ना, मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ, मेचू का जो रास्ता जाता है उधर से आया हूँ। और यहाँ पे देखो ये जो ऊपर पत्ते दिख रहे, ये सुपारी के पत्ते हैं, यहाँ पे लोकल एक पेड़ होता है उसके सारे पत्ते हैं। ये 10-15 साल तो चल ही जाता होगा यार ये घर। शहर में क्या करते हैं ना इन्हीं घर को, और क्या व्यू है ना, यहाँ आराम से बैठे सियांग नदी का व्यू देखें, संगम है यहाँ पे दो नदियों का। आज मेरे को लगता है अपन को काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। और आप इन घास में 2 मिनट खड़े हो जाओ, आपके लीच जूक है ना चिपक जाएगी, बहुत ज़्यादा जूक है यहाँ पे। अपना मेरे चैनल का नाम लिख लिए और चैनल सब्सक्राइब कर है भैया, कर दोगे सब्सक्राइब? बिल्कुल करूँगा यार मैं अरुणाचल से, ये सियांग डिस्ट्रिक्ट है, सियांग डिस्ट्रिक्ट ना, सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आदि 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 अब लोग कहाँ से? हम राजस्थान। राजस्थान से कितने दिन हो गए आए? काफ़ी दिन हो गया यार। ठीक है भाई, सवारी अच्छा से करना, घूमते रहने, ये लाइट का है पावर डिपार्टमेंट का गाड़ी। अच्छा लाइट वाइट खराब हो जाता है तो इसमें जाता है ना, मिल जाएगा कोई ना कोई तो, कोई ना कोई तो मिल जाएगा भाई, सवारी तो गाड़ी चलते रहता है, चलता रहता है। देखो भाई ये ब्रिज कौन सा है? ब्रिज ये सिमंग ब्रिज, सिमंग रिवर का ब्रिज। बस भाई अभी वहाँ से करीब है ना हम 2-2.5 किलोमीटर तो है ना पैदल चल चुके होंगे। और अभी यहाँ पे एक ब्रिज है, यहाँ पे वेट करेंगे, बस बैठ के और वेट करेंगे हिचहाइकिंग, शाम तक पहुँच जाएंगे। 75 किलोमीटर हो गए यहाँ से इनके होंगे लगभग, 70 ना। चलो तो भाई तो बहुत टेंशन में है उनको, इनकम जाना है, फिर गाड़ी नहीं मिल रहा अभी फिलहाल, नहीं मिल रहा हाँ। फिर भी मिल जाएगी, सवारी तो बार बार आते हैं, गाड़ी अभी आना जाना हो जाएगी, मिल जाएगा कोई ना कोई। रात का दिन है कहीं ब्लॉक हो जाता है इसलिए ना, इसलिए कोई बाहर है हिल एरिया है, हिल एरिया में तो क्लाइंबिंग होते हैं, उस वजह से गाड़ी पूरा 10 बजे का बाहर ही गाड़ी चलना शुरू होता है। फिर वो जो ग्रिप है ना, ग्रिप का वो डोजर जो कूल देना पड़ेगा, रात को ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, सुबह सुबह कूलना पड़ता है, उसके बाद ही गाड़ी जाना पड़े जा सकती है, जाता है ना। चलो भाई चलते हैं और अभी वेट करते ही चाइकिंग का। यार अरुणाचल में है ना अभी फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं जैसे सोलुंग, यहाँ पर देखो ये बोर्ड भी लगा हुआ है, पोस्टर सोलुंग की फुटबॉल गेकू में ये शायद है ना, गेकू यहाँ से थोड़ा सा आगे है। और ये जो रूट है ना सच में ये बहुत ही ज़्यादा रिमोट रूट है, इसमें ना बहुत कम लोग आते हैं, ज़्यादा लोग नहीं आते इस रूट पे। लेकिन अभी इसलिए आ रहे हैं ना क्योंकि जो इंकयोंग पासीघाट से इंकयोंग जो डायरेक्ट मरियांग होकर रास्ता है वो ब्लॉक है, इसलिए अभी अपन आए भाई इन ट्रकों में। जैसा कि बोलते हैं कि बॉर्डर पहाड़ों में जो रोड के राजा है भाई बीआरओ, उनके साथ आए अपन। यहाँ पर आए थे हम 1 साल पहले, वहाँ पर खाना खाया था मैंने, काफ़ी मज़ा। भाई रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, एक जो ट्रक जो मतलब मालगाड़ी जो ट्रक जो ऊपर ट्रांसपोर्ट करती है वो तो बीच में अटक गई वहाँ पे, और उससे मतलब चढ़ा नहीं गया। लेकिन हमारे तीनों ट्रक
पहुंच गए हैं यहाँ तक, बीआरओ के ट्रक पूरे पहाड़ पे पहुंच जाते हैं। ये देखो भाई बीआरओ के, वो ट्रक तो अटक गया लेकिन अपना बीआरओ का ट्रक तो उड़ गया। बीआरओ इसलिए फेमस है क्यों भाई? नाम बाबू भाई, ये केरला से, केरला सामी तमिलनाडु और तमिलनाडु तो मैं गया हूँ साइकिल से भी। सच में मैं क्लिप डालूंगा छोटी सी मैंने बनाई है, वो देखना भाई। ये साइड का रोड एक तो सिंगल और ऊपर से पूरा टूटा हुआ, मतलब थोड़ा सा टायर इधर गया नहीं, अपन पूरे गए। ये देखो भाई इसको देखो, ऐसे बंद किया जाता है। देसी जुगाड़ ये रास्ता काफी रिमोट है। यहाँ पर एक ना एक विलेज पड़ता है जिसका मतलब रिगा विलेज, जो कि यहाँ की जो ट्राइब्स है उनका सबसे ओल्ड विलेज है वो, मतलब जो आदि आदि ट्राइब्स वहाँ से बिलोंग करती है सबसे पहले उसी गांव से, उस साइड में वो सियांग के, ये सियांग नदी है सियांग के उस पार है वो। लेकिन अपन गए नहीं यार, ये सियांग सियांग नदी है क्या? मैं मैप में देख के बता दूँ। चलो भाई मिलते हैं इंक्योंग जाके। अपन है इंक्योंग के अंदर और ऐसे ही मैं यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड में आया था तो भाई ने बताया भाई कि यहाँ पे अभी फुटबॉल मैच स्टार्ट होने वाला है। कौन सा, सोलुंग वाला है फिर कैसे वाला है? ये सोलुंग से वार्म अप, सोलुंग वार्म अप मैच, वार्म अप मैच ना, मतलब प्रैक्टिस मैच। लेकिन इसका भी प्राइस होता होगा 30,000 पास कर। भाई प्रैक्टिस का भी है ना 30,000 जो फर्स्ट आएगा। अभी देखते हैं, शाम को स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में ग्राउंड का। बस थोड़ा सा अभी इस टाइम ज़्यादा कचरा हो जाता है ग्राउंड पे। और भाई एक चीज़ बता दो भाई, ये अपने अपर सियांग से ही, तुतिंग साइड से ही जीडो है ना भाई? हाँ। क्या नाम? दुबम दांगन। दुबम ऐसे मिल गया था भाई। और अभी फिर से मिलेंगे ठीक है तुतिंग में, जब भी जाएगा कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लेगा एक दूसरे का। हाँ हम तो आएगा ही तुतिंग, वहाँ पे कुछ काम भी स्टार्ट करने का बिजनेस। अभी मैं उसी ग्राउंड के अंदर हूँ, यहाँ का इंक्योंग टाउन है अपर सियांग के अंदर। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा इसमें वाइड एंगल नहीं यूज़ किया मैंने, तो यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है ऐसा करके, यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है। और लाइट के नीचे अचानक से मैं एक एनिवर्सरी में आया हुआ था, मतलब एनिवर्सरी किसी की, मतलब यहाँ पे एक भाई है सांग जीजोंग भाई, जिसका एक न्यूज़ चैनल है यहाँ पे, उन्होंने उन्हें स्टार्ट किया तो उनका 3rd साल है, तो उन्होंने सबको पार्टी दिया था तो मैं भी उसमें गया था। तो गाइज अभी तुतिंग जाने का रास्ता ब्लॉक है, जैसे कि भैया बताए भैया यहाँ पे जैसे तुतिंग जाता है तो अपर सियांग में जो तुतिंग है तो उसका रास्ता भी, मतलब कितने साल से काम चल रहा है? वो तो 2-3 साल से चल रहा है अभी तक। तो जैसे रास्ता ब्लॉक हो गया तो फिर ब्लॉक, तो अभी बारिश का कारण होके मतलब ब्लॉक हो गया अभी, मतलब बहुत दिन हो गया ना, बहुत दिन हो गया, 2-3 हफ्ता हो गया ब्लॉक होके। तो 2-3 हफ्ता होने से फिर तो खाना पीना ऊपर बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर नहीं पहुंच पाता पीना तो पूरा चावल वोल तो पहुंचने के लिए प्रॉब्लम। हाँ जैसे सब्जी वगैरह, सब्जी वगैरह वो तो पहुंचने के लिए प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है ना। तो अभी जैसे कुछ लोग यहाँ से आना जाना कर रहा है तो कौन से रास्ते से अभी जाता है पैदल? अभी तो मतलब पैदल जाने से भी तो जाने का ऑप्शन नहीं है। जैसा सुना एक रोड मैप और है, जैसे सियांग नदी है तो उसके इस पार से कुछ लोग आना जाना करता है पैदल, बहुत मुश्किल से। तो बहुत पुराना का बात है लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं जाता है। क्या फिलहाल नहीं जाता है ना? तो जैसे पहले लोग, पुराने लोग काफी पैदल मारते थे और अभी जैसे हम जैसे घूमने जा रहे हैं उधर तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से ज्यादा यहाँ से तुतिंग कम से कम 150 किलोमीटर होगा, तो वो जाने के लिए काफी मुश्किल है। तो अभी हम इंक्योंग में यहाँ पे एक News 24/7 का सांग जीजोंग भाई का 3rd साल था, तो उसमें हम खा पी के आए थे और अभी यहाँ पे भाई लोग मिले हैं। जैसा कि कहते हैं कि अपन अगर पॉजिटिव है तो सामने वाला पॉजिटिव मिलेगा ही भाई। और आपका नाम भैया? मेरा नाम कानो पांगा। कानो, कानो, कानो पांगा। कानो पांगा भाई है गेते बस्ती से ना? गेते बस्ती। तो कभी मौका मिलेगा तो आपकी बस्ती में जरूर हम एक्सप्लोर करेगा है ना। ये देखो फुटबॉल ग्राउंड है और अभी सोलुंग टाइम में 1 महीना फुटबॉल चलेगा। क्यों 1 महीना नहीं,
अगस्त टू सितंबर, सितंबर पूरा चलेगा फुटबॉल एक महीना, एक महीना ना, और फिर सोलुंग फेस्टिवल आ जाएगा, फर्स्ट तारीख ना। ओके, तो अभी हमको थोड़ा सा पहुंचाने जा रहे हैं और कल अपन इनसे फिर से मिलेंगे, क्यों? थैंक यू। बढ़िया हाँ भाई, यहाँ पे पता है रात को वैसे थोड़ा सा मतलब ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है अरुणाचल में, ऐसे दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ होता ही है, तो थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ता है, लेकिन अपन को अच्छा भाई मिल ही जाता है, क्यों भाई? हमारा अपर सिंह में तो ऐसा कुछ नहीं है, वो दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, जो कुछ जो भी मिलेगा वो सब अच्छा ही आदमी ना, अच्छा ही मिलता है, ऐसे नहीं मतलब कड़ा भी आदमी नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है ना, सब हर किसी को मिलजुल होता है। अरुणाचल के लोग थोड़े से हम्बल रहते हैं, इसलिए मैं अरुणाचल को मैं चाहता हूँ कि मैं एक भारत के अंदर एक ऐसा स्टेट है जिसको मैं डीपली और रिमोट विलेज सारा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, कि लोग यहाँ पे कैसे खेती करते हैं। बारिश के मौसम में लोग बोल रहे थे कि बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड वगैरह ज़्यादा आता है, लेकिन मैं बारिश के मौसम में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि खेती इसी टाइम होती है। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन वही है कि हम लोग तो ज़्यादा, लेकिन दूसरा मतलब बस्ती में होता है ना, बस्ती में हो जाता है, हो जाता है, लेकिन हम लोग का अपर सियांग में क्यों में तो इतना तो नहीं होता है, लैंडस्लाइड तो रास्ता रोड वगैरह में होता है, नहीं होता, लेकिन बाकी में नहीं होता है, नहीं होता है।